हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर करप्शन ओवरलोडेड का। टायर वन बॉस फाइट पिछले एपिसोड में हम लोग ने क्लियर कर लिए। अभी आगे हम लोग करप्शन ओवरलोड में क्या करने वाले वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो बने बंदा होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जाना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद्यानी के चैनल की, जिनके चैनल पे आरक्यू और दूसरे गेम्स की वीडियो लगातार आती रहती है। सो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको आरपीसी के सर्वर बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है। निट्राडो से अगर आप नीचे दिए गए लिंक से जाओगे निट्राडो पे सर्वर बनाने तो तगड़ा वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सो जाके निट्राडो सर्वर को जरूर चेकआउट करना और अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए एक दो सर्वर भी बना लेना यार। बाकी तो गाइस अगर आप लोग को पता नहीं है तो हम लोग ने आर्क मोबाइल और आर्क पीसी के लिए एक ब्रांड न्यू नया चैनल खोला है, जहाँ पे आर्क मोबाइल की डेली एक वीडियो और आर्क एज रिबॉर्न अपग्रेडेड की डेली एक वीडियो हमारे नए चैनल पे अपलोड होती है। वो दोनों नए चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में और शॉर्ट वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से उन दोनों चैनल्स को जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी तो आप लोग जो है ना गाइस, हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हो, दो चीज़ और कर सकती हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, और वीडियो ना विदाउट स्किप करे पूरी की पूरी देखने की कोशिश करना गाइस। इससे ना हमारा चैनल जो डाउन जा रहा है ना वापस से अप चला जाएगा और थोड़ा सा बूस्ट भी मिलेगा और हम लोग ट्रैक पे वापस से आ जाएंगे। बाकी अगर आप लोग एड्स वगैरह भी फुल देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। चलो अभी गाइस मैं बताता हूँ हम लोग ने पिछले एपिसोड में क्या करा था। बॉस को मारने से हम लोग को मिली थी गाइस यहाँ पे अलग अलग तरह की सोल्स, ठीक है, और बॉस की जो है ना गाइस यहाँ पे आत्माएं भी हम लोग को मिली थी। आपको पता होगा पिछले वाले एपिसोड में ही हम लोग को ये बॉस की आत्माएं मिली थी। अभी आत्माओं को मारो गोली। अभी मुझे सबसे पहले एक और चीज करनी है, वो है यहाँ पे ये चीज बनाना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, यू कैन टेम ये क्या है वाइज का कॉन्स्टिलेशन वाला जो डोडो है ना गाइस, वो हम लोग को यहाँ पे बनाना है। इसके लिए एलिमेंटल डोडो का फर्टिलाइज वाला एक चाहिए, वो तो मिल जाएगा हम लोग को, और जेनरिक एलिमेंटल सोल वो भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्टिव कॉन्स्टलेशन कोर, ये कहाँ से मिलेगा एक्टिव कॉन्स्टलेशन कोर। बॉस को भी क्राफ्ट करने के लिए मुझे यही चीज़ चाहिए थी, कोर्स में एक्टिव जिमी को, एक्टिव ट्रिनलन स्कोर, एक्टिव स्कॉर्पियन कोर, एक्टिव विग्रो कोर्स, एक्टिव कैंसर कोर, एक्टिव एक्लोलो स्कोर। भाई कॉन्स्टलेशन कहाँ पे, डीएक्टिव जिमी एक्टिव कॉन्स्टलेशन कोर, ये सारे के सारे कॉन्स्टलेशन वाले कोर्स में आते हैं क्या? हाँ गाइस, एक्टिवेशन रिलेटेड डीएक्टिवेटेड जिमी कोर्स चाहिए मेरे को। ओके ठीक है, फर्टिलाइजर एलिमेंटल डोडो का अंडा और ओके ठीक है रुको। ए भाई लोग कच्चो कच्चो फ्रेंड्स, करना पड़ेगा तुमको, मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को तुमका अंडा अंडा चाहिए। तुम्हारा अंडा मेरे को दे दो भाई जल्दी, तुम्हारा अंडा हमको चाहिए और मेरे घर पे मेटल पड़ा नहीं है, मैं भूल गया था। अरे अनफॉलो अनफॉलो रे अनफॉलो अनफॉलो ठीक है रुको, मैं मेटल तोड़ के ऊपर से लाता हूँ फटाफट से, और हम लोग इनका ना यहाँ पे मेटिंग कराते, इनका अंडा लेते। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है कि आगे क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ होगा गाइस यहाँ पे क्लियर। पहले मेरा ग्रिफिन ये रहा, चलो आ जाओ। पहले मुझे ना यहाँ पे जाके मेटल लेके आने दो, डोडोस का ब्रीडिंग कराने दो, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिवेट कॉन्स्टलेशन कोर्स वगैरह बनते कैसे हैं, और इससे मैं डोडो को कॉन्स्टलेशन वाले डोडो को स्पॉन करके टेम कर सकता हूँ या नहीं। एक अगर कोर मिल जाता है तो हम लोग उसका एक का डबल कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का डबल तो हम लोग कर लेंगे। हमारे पास भाई सीड फार्म पड़ा हुआ है, बस एक कोर बन जाए, और वो कोर बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ सामान वैसे चाहिए नहीं। तो मैं यहाँ से मेटल भाई भर भर के ले लेता हूँ, क्योंकि पोशंस बनाने के लिए भी मेरे पास अभी मेटल अवेलेबल नहीं है। भर भर के मेटल, अरे भर भर के दबा के मेटल चाहिए। ये ऊपर वाला भी मेटल चाहिए, आई शाबाश, एक पटका मार रहा हूँ सीधा मेटल के हजारों टुकड़े हो रहे हैं भाई। लोग दबा के मेटल ले लिया है, अभी चुपचाप से घर पे चलते हैं, ठीक है, और आ जाओ अभी घर पे चलते हैं और उनका ब्रीडिंग कराता हूँ मैं पहले तो डोडोस का, और उनका फर्टिलाइज वाला अंडा निकालता हूँ। सारे के सारे हमारी फीमेल है तो उसमें से एक को मेल करना पड़ेगा, मैं बीच वाले को मेल बनाता हूँ ना,
ब्रेओ बीच वाले इधर आ और ये खा ले पहले। इनेबल मीटिंग, इनेबल मीटिंग है ही इनका, तेरा नहीं है क्या इनेबल मीटिंग? कर दे, इसका तो इनेबल मीटिंग ही था। ओके, इनका फर्टिलाइज वाला अंडा थोड़े टाइम में हमारे पास आ जाएगा। बाकी एक काम करो, अभी सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है ना, ये उठा, ये जो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डालने दो, जो सोल बॉल्स है मेरे पास खास करके वो मुझे यहाँ पे डालने दो, क्योंकि यहाँ पे एक का डबल करने के लिए और दूसरी चीज़ें मुझे अभी डालनी है। खोपड़ियाँ कितनी मिल गई अपन को? एक 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 एक, ये बिस्के स्टैक में होती है बट अभी एक एक दिख रही है। मेरे इन्वेंटरी में कितनी है खोपड़ियाँ? मेरे इन्वेंटरी में भी एक ही है। चलो फिर एक काम करो, ये सारी के सारी खोपड़ियाँ उठाओ। 171 इनफ हो जाएगी, 171 तो। अब वॉल्ट बनानी पड़ेगी ब्रो, वॉल्ट बनानी पड़ेगी मुझे, वॉल्ट के अंदर सामान रखना पड़ेगा। रुको, वॉल्ट 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 वॉल्ट, पांच बनाने का सामान है, बना लेगा तीन, बट हाँ तीन ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। रुको, मुझे फालतू का सामान यहाँ पे फेंकने दो जो मेरे किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ये स्लिंग शॉट, ओके। तुम्हारा क्या हाल है भाई? अंडा दे दिया? फर्टिलाइज वाला अंडा चाहिए मेरे को। दे रही कर रही है, मेटिंग कर रही है, करो आराम से करो, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। अब एक काम करना है मेरे को, अपन को घर को एक्सपैंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा घर अभी छोटा पड़ रहा है, ठीक है? हम लोग को करना पड़ेगा हमारे घर को एक्सपैंड, एक्सपैंड करना पड़ेगा हमारे घर को अभी फटाफट से, सटासट से गई हम लोग को। रुको, ठीक है, फाउंडेशन बनाने दो, इनका ब्रीडिंग हो रहा है तब तक घर वगैरह जो है ना गई वो एक्सपैंड होकर रेडी हो जाएगा। क्या हो गया, मैं बन क्यों नहीं रहा कोई चीज? माउस व्यूज बंद पड़ गया क्या मेरा? अरे क्या हो गया, फाउंडेशन क्यों नहीं बन रही है? अरे बेसिक मैं क्राफ्ट नहीं कर पा रहा कोई भी चीज। इनका फर्टिलाइज वाला अंडा ये तो मैं उठा, ओ डैम, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे इन्वेंटरी में जगह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? मेरे इन्वेंटरी में बिल्कुल भी जगह यहाँ पे नहीं है, मुझे सारा सामान फेंकने दो, ठीक है? डन, ओके। अभी फाउंडेशन बनानी है मुझे, थोड़ा और सामान का इस मुझे यहाँ पे फेंकना पड़ेगा क्या, ताकि मैं, अच्छा ये फाउंडेशन ये रही, ठीक है रुको, फाउंडेशन लगाओ यहाँ पे। थोड़ी सी फाउंडेशन मेरे इन्वेंटरी में पड़ी हुई थी वही लगा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, और हमारे बेस को एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बनाओ बनाओ, रुको, ऐसे ऐसे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे फाउंडेशन बनाने दो। वॉल तो बन के रेडी हो चुकी है हमारी, वॉल तो बन के रेडी हो चुकी होगी, बट ज़्यादा बड़ा बेस भी नहीं बनाना है भाई हम लोग को, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देना है, ठीक है? आई थिंक से इतना इनफ रहेगा, इतना एक्सपेंशन मे बी इनफ रह जाएगा। यहाँ पे सीलिंग लगा देता हूँ, बाद में अगर और ज़रूरत पड़ी तो और भाई एक्सपेंड कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रुक जाओ। ओके, 1 2 3 यहाँ पे रेलिंग लगा देंगे और स्टेयर्स लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। रेलिंग्स, पहले से रेलिंग्स बने हुए हैं मेरे पास, भाई मेरे पास तो सारा सामान ऑलमोस्ट पहले से पड़ा हुआ है, पुराना जो हमने घर बनाया था उसका सामान बचा हुआ था लग रहा है, ठीक है? अबे यार जल्दी कर ले भाई, हाँ यहाँ इससे इसको कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे स्टेयर्स लगा देंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे लगा देने स्टेयर्स, ये मत बोलो स्टेयर्स भी पड़े हुए, वाह भाई वाह, ठीक है ऑल राइट। वॉल्ट लेके आने दो, वॉल्ट भाई तीन अपने पास पड़ी हुई होगी, ओके ये तीन वॉल्ट हम लोग यहाँ पे कुप्चे में लगा देंगे, इधर या फिर इधर लगा दो, चलो इधर लगा देता हूँ ऐसे, ओके ये तीन वॉल्ट लग गई। अब इसके अंदर भाई ये क्या है खोपड़ी, मल्टीपल वैल्यूज, ये वैल्यूज बिल्यूज भाई भाई यहाँ पे डाल दो, वैल्यूज बिल्यूज जितना भी है, 173 वैल्यूज इनफ है, बाकी का मैं यहाँ से भाई फेंक दूंगा वो वैल्यू को। रुको, ब्लड कितना है? ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो चुका है ब्रो, 17,000 ब्लड, ठीक है रुको, ब्लड ब्लड, इसको ब्लड नहीं बोलते, डीएनए बोलते हैं इसको, डीएनए डाल दो इधर, 17,000 डीएनए, इनफ है इनफ है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भाई यहाँ पे वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। डीएनए भी यहाँ से भाई मुझे बाहर फेंक देना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सोल्स भाई ग्रीन वाली उठा लो सारी, टर्न ऑफ,
सोल भाई यहाँ पे डाल दूँ मैं सारी की सारी, जितने भी मेरे पास सोल है। वेनी, रुको जाओ, वेन ये वाली सोल, बस ग्रीन वाली सोल यहाँ पे डालो। डन 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 डन, चलो आ जाओ गाइस। ठीक है, इसमें से भाई ये उठा लो। इस सोल का नाम क्या है भाई? इग्निस सोल भाई। ठीक है, इग्निस सोल को भाई हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इग्निस सोल यहाँ पे जाएगी। अभी जितना भी कचरा गाइस यहाँ पे हमारे पास पड़ा है वो हम लोग को यहाँ पे फेंक देना है। ठीक है, देख रहे हो ये जितना भी कचरा पड़ा हुआ है गाइस, मैं सारा का सारा फेंक देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, रुक जाओ गाइस, एक काम कर लेता हूँ ना यार, ऐसे फेंकने से अच्छा मैं इस कचरे को ना ऐसे पहले उठा लूँगा अपने अंदर, उसके बाद ऐसा वैल्यू लिखेगा यहाँ पे डाल देगा, पर ना वहाँ पे भाई फालतू में ऐसा कचरा हो जाएगा। बराबर, इसका नाम क्या है भाई? वेन है ना, रुक जाओ। ऐसे ऐसे करके डाल देंगे ना तो फिर भाई हमारा कचरा जो ना गाइस यहाँ पे ज़्यादा फैलेगा नहीं इस तरीके से। और ये इग्निस वाली है, देखो अब ये कचरा फैल चुका है। हो गया, बस हो गया काम 25 भाई, काम 25। रुको, ये सारा का सारा मैं ये ऐसे ऐसे करके जो हमारे एक का डबल करने वाले क्रॉप लॉर्ड से वो खाली कर देता हूँ मैं। ठीक है, रुको। A few moments later. चलो गाइस, सारा का सारा कचरा यहाँ पे साफ हो चुका और गंदगी जो है गाइस वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी हुई नहीं। अब ये कचरा साफ क्यों करा मैंने, ठीक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रुको, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नई सोल्स मिली है ना उनको एक का डबल करने के लिए डालना है। ठीक है, ये जो ब्लड मिला है ना, बॉस ब्लड है गाइस, ये नॉर्मल ब्लड नहीं है, दिस इज बॉस ब्लड। तीन बॉसेस मारे मैंने तो तीन बॉसेस का ब्लड मिला है, उनकी मेरे को भाई यहाँ पे एक ही डबल करने ब्लड को, प्लस उनकी सोल्स मिली हुई है ये वाली, इन सोल्स को भी मुझे एक का डबल फटाफट से कर देना है। ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है ना गाइस आगे वाले बॉस फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ये आखिरी सोल है। डन, ओके चलो। अभी मुझे क्या करना था यहाँ पे, इनका फर्टिलाइज वाला अंडा, अगर चाहो तो मैं इनके फर्टिलाइज वाले अंडे को भी आई थिंक से एक का डबल कर सकता हूँ। हाँ, 20 अंडे अपने पास हो चुके हैं, आ जाओ। चलो अभी फटाफट से मुझे यहाँ पे बनाने दो एक्टिवेट कोर। ओके, यहाँ पे डाल दे, कोर्स में जाओ, इनएक्टिवेट कोर चाहिए। बराबर, कौन सा वाला चाहिए? जो चाहिए वो बना सकता हूँ मैं, इसको बना लेता हूँ। ठीक है, अभी इससे मैं एक्टिवेट वाले को बनाऊँगा। ना, एक्टिवेट वाला नहीं बनाना है मुझे, वो बना लेना है टूल, ये वाला। ऑब्सिडियन वगैरह चाहिए इसके लिए, ऑब्सिडियन चाहिए। मेरे पास ऑब्सिडियन नहीं है, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो, ऑब्सिडियन नहीं अभी लेके आता ऑब्सिडियन। रुको, ऑब्सिडियन तो हमारे घर के नीचे पड़ा हुआ है भर भर के। ठीक है, ऑब्सिडियन की कमी नहीं है। ये लो भाई ऑब्सिडियन, ये लो भाई ऑब्सिडियन, और ऑब्सिडियन चाहिए यहाँ पे, थोड़ा और ऑब्सिडियन होगा। अबे कौन से पत्थर पे होता है वो ऑब्सिडियन? यहाँ पे एक और पत्थर में ऑब्सिडियन होता है कहीं पे, तो दो ऑब्सिडियन के पत्थर होते हैं। ये वाला का आइए, छुप के बैठा था नीचे, तोड़ दिया। चलो घर पे चलते हैं, और वो जो भी चीज़ है गाइस वो मैं पहले बना लेता हूँ। ओके, आराम से आओ। ओके, एंड यहाँ पे ऑब्सिडियन मेरे इन्वेंटरी में पहले से था। वाह भाई वाह, ठीक है चलो। टूल्स में ये एक टूल बना, बराबर ये बन गया। इसकी मदद से कोर्स में एक्टिव कर देंगे हम लोग इस कोर को। ये एक्टिवेट वाला हमारा कोर है। अभी इस कोर को मैं पहले एक का डबल कर लेता हूँ। रुको, अंडे ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, संडे वे मंडे रोज खाओ, अंडे नहीं चाहिए भाई। रुको, इस कोर को एक का डबल करने की कोशिश करता मैं, देखता हूँ ये कोर एक का डबल होता है या नहीं। अगर हुआ तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड कितना बना हुआ है यहाँ पे? 15 15 करके ना, एक दो मिनट के अंदर ये ब्लड भी यहाँ से निकाल दूंगा। ज़्यादा ब्लड नहीं बनाना है हम लोग को भाई। कोर जल्दी से बन जाए यार, एक का डबल हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ, हो गया ना एक का डबल, आई थिंक सो, यस नाइस वन। जी, ये कोर हो चुका है एक का डबल। ओके, क्या यही कोर है जो हम लोग को चाहिए वहाँ पे? अभी बस मुझे ये चेकआउट करना है, क्या इसी कोर की मदद से हम लोग को डोडो वगैरह बना सकते हैं? बॉसेस एलिमेंटल एंड दिस, यस गाइस यही कोर चाहिए हम लोग को, यही तो कोर चाहिए। ठीक है, इसके ये इन्वेंटरी में जितना सामान है सब उठाओ, इसको यहाँ से पिकअप नहीं कर सकता हूँ। एसीओ कॉन्सलेशन समॉर्निंग चेंबर, समॉर्निंग चेंबर बनाना है ब्रो, समॉर्निंग चेंबर दिस वन, ये यहाँ पे बन जाएगा अपना समॉर्निंग चेंबर। ऑलराइट, चलो
आ जाओ। अभी मैं डोडो को पहले स्पॉन कर रहा हूँ। ये बॉस है क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है बॉस है क्या है पता नहीं है, देखते चलो। थोड़ा दूर जाके स्पॉन करते हैं। इसको स्पॉन करने के लिए जो सामान चाहिए वो सारा मैंने ले लिया है, ठीक है। ये मॉड हमारे लिए भाई एकदम ब्रांड न्यू है, तो काफ़ी कुछ भाई हम लोग को इस मॉड के बारे में सीखना है, ठीक है। जहाँ पे मैं बॉस फाइट लेता हूँ बेस के साइड में ही, वैसे मैं समॉर्निंग चेम्बर भी लगा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। नीचे बैठ जा भाई क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा तुरंत ही। सो समॉर्निंग चेम्बर यहाँ लगेगा। समॉर्निंग चेम्बर के अंदर मुझे सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, ऑब्सीडियन की ज़रूरत नहीं है। ओके इससे बॉस बन जाएगा ना, बराबर बनेगा ना, बना। भाग रे पता नहीं स्पॉन हुआ कि नहीं हुआ, क्या रुक जाता हूँ थोड़ा सा मैं भी, स्पॉन हो जाए, स्पॉन नहीं होगा आई थिंक से, अभी तक हो जाता और ना यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह दिखती। रुको, अच्छा ये वाला मिल गया हम लोग को, ठीक है ऑल राइट। यहाँ से सामान ले लेता हूँ, इसमें ऐसे ही क्राफ्ट होंगे ना, फिर कोई सीन नहीं, फिर हम लोग घर पे बना लेंगे, ये यहाँ पे आके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, कंज्यूम कर सकता हूँ ना, यू कैन टेम कॉन्सोलेशन क्रीचर नाउ, ओके हाउ कंज्यूम कर दिया मैंने इसको, ओके कॉन्सोलेशन एलिमेंटल के बल। अरे यार ऐसा क्या, ऐसा ही गई सीन, आ गया डोडो गाइस, पट्टे से हेडशॉट, ये ले ले बेटा। ए ए अंडे लगा भाई इसकी है कि यहाँ दे रहे, शॉटगन देख रहा है किधर है ये, हाँ बेटा हाँ बेटा आ जा रुक जा, शॉटगन देख रहा, शॉटगन देख रहा, अंडा लेके भाग गया मेरा, अंडा लेके भाग गया। चलो रे अभी हम लोग कॉन्स्टलेशन वाले डोडो फाइनली टेम कर सकते हैं। ये रहा एलिमेंटल केबल, खा ले और टेम हो जा भाई। ये डोडो टेम करने के लिए आपको पता, आप लोग ने गाइस कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। मैं 3 डोडो टेम करता हूँ, मैं घर पे जाके और 2 टेमेबल वर्जन डोडो के बनाता हूँ गाइस, ठीक है। आ जाओ फाइनली हमारे पास अभी कॉन्स्टलेशन वाले जो अंडे हैं वो आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टलेशन वाले डायनोस दिख रहे हैं ये सारे के सारे मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, बट इन सबको क्राफ्ट करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें चाहिए। एलिमेंटल फर्टिलाइज डोडो एक, एलिमेंटल फर्टिलाइज डोडो एक है हमारे पास ब्रो, है हमारे पास, ये रहा फर्टिलाइज एलिमेंटल डोडो एक 20 है हमारे पास ब्रो, क्या बात कर रहे हो तुम, ये लो मुझे 2 ही दे दो बस, खाली 2 ही दे दो, 1 2 ठीक है। चलिए यहाँ पे ही स्पॉन कर देता हूँ मैं, नॉर्मल डोडो होते हैं छोटे, ये क्या कर लेंगे बताओ। हलू डुडू हलू डुडू 5 से 8 शॉट और तेरे को भी 4 से 8 शॉट भाई, ठीक है। मेरे पास 2 एलिमेंटल किबल पड़े हुए हैं, वो डाल दूंगा मैं एक इसके अंदर जो कि हो जाएगा तुरंत ही टेम, एंड एक इसके अंदर। अभी तुम लोग को देने गाइस अंडे, ठीक है डोडो लोग। मैं एक डोडो को लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि ये डोडो जो है हमारा उसका डैमेज वगैरह कितना जा रहा है। ये डोडोज को रखने के लिए भाई एक थोड़ी सी अच्छी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे, ये बेचारे यहीं पे रह रहे हैं। कलेक्टर यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। रुको डोडोज को भाई रखने के लिए एक जगह बनाता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा तुरुक जाम तो करना पड़ा बट एट द एंड रिजल्ट से मैं खुश हूँ। मुझे लगा था बॉस वगैरह होगा इसका, मेरे को गेम वगैरह बजाना पड़ेगा तब जाके मुझे कुछ ऐसा अनलॉक होगी कोई चीज़, ऐसा लगा था मेरे को। थोड़े बॉस बिस नहीं है, थोड़े फाउंडेशन वगैरह ले लूँगा इस मेरे को फटाफट से, फाउंडेशन बनाने का सामान ले लेता हूँ। यहाँ पे डोडोज को रखने के लिए हम लोग जगह बनाएंगे, वुड नहीं है, अरे यार कर देना छोटी बात, रुको वुड, चलो वुड लेके आते फटाफट से और हमारे डायनोज को जो ना कैसे रखने के लिए एक प्यारा प्यारा सा घर बना लेते गाइस हम लोग। फाइनली अभी थोड़ा थोड़ा मॉड गाइस समझ में आ रहा है हम लोग को कैसे क्या करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भाई हल्लू हल्लू करके समझ में आने लग चुका है मुझे, उठा ले भाई 10,000 वुड लेके जाता हूँ, रुको मैं यहाँ से 7,000 9,000 ये रहा 10,000 भाई, ठीक है। चलो सीधा घर पे चलते और वहाँ पे अपने फाउंडेशन बना के अपने डोडोज को रखने के लिए प्यारा सा घर बना लेंगे, ठीक है। ओके फाउंडेशन 100 तो नहीं चाहिए भाई, मैं इसी बोल रहा था, बस बस ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए।
ज़्यादा नहीं चाहिए, कितना, इतना बड़ा एरिया इनफ रहेगा यार अभी फ़िलहाल के लिए तो। बाद में इसको एक्सपेंड करना पड़ा तो हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलिंग भी ज़्यादा नहीं, 14 की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 4 ही चाहिए थी बस। पीछे साइड यहाँ पे लगेगी नहीं क्योंकि फिर रेलिंग नहीं लगेगा हमारा वहाँ पे, ठीक है। रेलिंग लगा देता हूँ उनको, क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं रहेगा ना तो रेलिंग नहीं लगेगा। फिर पिल्लर बिल्लर लगाने पड़ेंगे एकदम नीचे पानी तक, समंदर के अंदर तक पिल्लर घुसाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेयर्स लगा देते हैं और हमारा काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। डोरस को क्रायो कर लेते हैं और फीडर में खाना है। फीडर कहाँ है? ये रहा, फीडर में बेरीज चाहिए। बेरीज है? बेरी नहीं है, मेन तो वही प्रॉब्लम है। रुको बेरी लेके आता हूँ क्योंकि डोरस जो हमारे हैं वो यहाँ पे फिर खाना कैसे खाएंगे? बेरी नहीं तो भाई वो जिंदा कैसे रहेंगे बेचारे, क्या खा के जिंदा रहेंगे? ये सब कुछ उठाऊँ और इसको पिकअप करो और एक कलेक्टर को मैं लगा दूंगा यहाँ पे कोने में, ठीक है। कलेक्टर को उठाइए, थोड़ा सा बेस को अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है गाइस। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ऑयल, इसको ड्रॉप करो, इसको एक्टिवेट कर दो। टट्टी वगैरह जो है गाइस वो भी यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। सारी टट्टी फेंक देंगे, ओके आराम से भाई, कोई डायनो वगैरह ना गलती से फेंक दूँ मैं। ओके डन, ओके ठीक है। मैं हमारे डोरोस के लिए थोड़े से खाने का जुगाड़ करके लाता हूँ, मेरे पास स्टेगोसोरस है उससे मैं थोड़ी सी बेरीज इकट्ठा करता हूँ हमारे डोरोस के लिए, क्योंकि इन्हीं डोरोस के अंडों से हम लोग किबल वगैरह बनाने वाले आगे वाले। अभी पहले तो यहाँ पे निकाल लेते गाइस हमारे स्टेगो को, ठीक है। ये हमारा एक करप्टेड वाला प्यारा प्यारा सा स्टेगो जो भर भर के बेरी इकट्ठा करके देगा। इसकी मूवमेंट स्पीड मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है यार यहाँ पे, ठीक है। ये लो नार्को बेरी भी मेरे को लगेगी थोड़ा नार्कोटिक बनाने के लिए अभी। ये लो, मैंने भाई कितने एपिसोड हो गए गाइस एक भी डायनो यहाँ पे टेम नहीं करा है। डायनो टेमिंग ना कल वाले जो एपिसोड आएंगे ना गाइस हमारे 3, देखो आज के 3 एपिसोड खत्म हो गए, कल वाले जो 3 एपिसोड आएंगे ना उसमें तीनों एपिसोड में हम लोग कोई ना कोई नया वाला डायनो टेम करेंगे भाई, लिख के ले लो। क्योंकि हम लोग को कॉन्स्टलेशन भाई अंडे की जरूरत थी, वो अभी हम लोग को मिलने वाले यहाँ पे। हमारे जो डोडो कॉन्स्टलेशन मैंने टेम करे वो हम लोग को वो अंडे दे देंगे इजीली। सो अभी हमारे पास वो अंडे आ चुके तो हम लोग आगे वाले सारे के सारे जितने भी किबल्स थे वो इजीली बना पाएंगे। चलो अभी फटाफट से घर पे चलता हूँ इसको लेके, इसके अंदर से सारी की सारी बेरी जो है गाइस वो निकाल लेनी है मुझे, ये वाली नार्को बेरी। ओके डन, इसको करो क्रायो। नार्को बेरी जो है गाइस वो हम लोग डाल देंगे इसके अंदर ताकि हम लोग यहाँ पे नार्कोटिक बना सके, ठीक है। यहाँ पे मैं नार्कोटिक बनाऊंगा इसकी मदद से। एंड जो नॉर्मल हमारी बेरीज है वो हमारे डोडोस के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूंगा। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1500 है, 2-3 दिन तक चल जाएगी गाइस, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी सारे के सारे जो हमारे डोडोस है उनको यहाँ पे बाहर निकाल देना है मुझे। ये हमारे कॉन्स्टलेशन वाले डोडो है ना, रुको पहले इन दोनों को बाहर निकालो। एंड तो पीटी कहाँ से आ गया ये, इन दोनों को बाहर निकालेंगे। एंड यहाँ पे जेंडर चेंजिंग पोशन मुझे इनको खिला देना है, ठीक है, क्योंकि ये मेल है और मेल लोग अंडा नहीं देते, फीमेल ही अंडे देते हैं, तो जेंडर चेंज करके इनको फीमेल कर देना है। और ग्लिच से हटाने के लिए मुझे क्रायो करके इसको एक और बार बाहर निकाल देना। क्या शाइन कर रहे हैं यार ये लोग, क्या चमक रहे भाई, क्या चमक रहे हमारे ये वाले डोडोस, ठीक है। अभी दूसरे डोडोस, इसमें भी मैंने एक को भाई बेचारे को वो कर दिया था यार, मेल बना दिया था फर्टिलाइज वाले अंडों के लिए, इसको भी फीमेल बना लेता हूँ वापस से। ये ले, ठीक है, इसको इनके पीछे लगा दूंगा मैं इसे। प्लीज ये रहा अपना डोडो, ये बचे हुए अपने 2 डोडोस गाइस, ठीक है, ये अपना 1 एंड ये अपना 2। ऑलराइट, अभी इसमें से हाई लेवल का डोडो कौन सा है? ये वाला है ना, इसके ऊपर राइड करो, लेट्स गो बॉयज। सो ये रहे हमारे कॉन्स्टलेशन वाले डोडोस भाई, ठीक है। इनके अंदर ऐसे लग रहा है पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है भाई, पूरा ब्रह्मांड समाया। अटैक कौन से? बाइट अटैक, और हाँ बस एक ही अटैक है बाइट वाला भाई। लेकिन तू इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा भाई, इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा, ये पता नहीं गाइज। इसके ऊपर मैं राइड भी नहीं यार, इसको बाहर लेके नहीं जा सकता, इसकी हेल्थ मुश्किल से 1000 जा रही है। रुको मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ चुपचाप से भाई, तो अंडे देने का काम कर ले, इसको बाहर लेके नहीं जा सकते, बेचारा मर भी जाएगा यहाँ पे। रुको इसको ना मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
डन। अब इनका बस एक अंडा मिल जाए फिर मैं किबल बनाने का काम भी चालू कर दूंगा। और एक और चीज कर लेनी है, ये सारे यहाँ से ब्लड उठा लो, सारा बॉस ब्लड और बॉस की सोल्स, तीनों के तीनों बॉस की मुझे उठा लेनी है। ओके, बॉस की सोल भी यहाँ से उठा लेनी है। ओ, ये वाले असेंडेड वाली सोल्स है, जो मेरे पास 5 सोल मिली थी ना वो असेंडेड वाली सोल्स है, ठीक है। और दूसरी जो अभी मैंने बनाई वो जो है ना गाइस, वो नॉर्मल वाली सोल्स है। देखो ये ग्लो कर रही है, और ये वाली दूसरी जो नॉर्मल हम लोग ने कॉपी करी वो नॉर्मल ही है, वैसे ही है, वो ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। चलो कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा ब्लड और कोई यहाँ पे डायरेक्टली वो डाल दो ना यार, नाम डाल देते ब्लड, ठीक है। यही है ना ब्लड, हाँ यही सारा ब्लड, तीनों का तीनों ब्लड है ना। वन वेंटस ब्लड, हाँ भाई दोनों दो ब्लड जो है ना सेम टू सेम लग रहे थे इसलिए ऐसा लगा। और यहाँ पे सोल, अच्छा सोल ये लो, सारी की सारी सोल यहाँ पे डाल देता हूँ अंदर, ठीक है। चलो डन। इनको बंद करना है, टर्न ऑन। ओके, सबको बंद कर लिया है, ये भी बस हो गया यहाँ पे, 200-300 इकट्ठा हो चुकी है। जेमी कोर्स वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगले एपिसोड में गाइस हम लोग ना टेमिंग करेंगे, कल जो है ना पूरा टेमिंग होगा, परसों वाले एपिसोड में हम लोग आगे वाली बॉस फाइट जो है ना गाइस वो डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। वो लकीली इसने भाई चमक रहा अंडा फुल, भाई एकदम फुल गैलेक्सी की तरह चमक रहा है गाइस अंडा, ऐसे लग रहा है इसके अंडे के अंदर गैलेक्सी है भाई पूरी, देखना ये देखो अंडा देख रहे हो, अंडा देख रहे हो गाइस, भाई जाग के देखेंगे तो गैलेक्सी दिखा, ये देखो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है इसके अंडे में गाइस, देख रहे हो गाइस, मैं अंडे के अंदर जाग के देख रहा हूँ, देखो सामने अंडा है और इसके अंदर से जाग के देख रहा हूँ मैं, देखो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या है भाई, कदर रहा। ये अंडा उठा लो भाई, ये अंडे का एक डबल कर लेता होगा क्या, ये अंडे का एक डबल ब्रह्मांड वाले अंडे का हो जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये उठा लेना रे कलेक्टर इस अंडे को वापस से, रुको गाइस उठा लिया। सो गाइस क्या अभी हम लोग आगे वाले किबल्स बना सकते हैं, वो जरा मैं चेकआउट कर लेता हूँ, किबल्स में चलते हैं, मुझे ये वाले किबल्स बनाने, पिरामिड जर्की, ओ स्वीट वेजी केक, कॉन्स्टलेशन डोडोस के फर्टिलाइज वाले अंडे, स्वीट वेजी केक कैसे बनते हैं भाई, स्वीट वेजी केक ये लो भाई, एफएम के वाले ले लो स्वीट वेजी केक, काम 25 भाई, टेंशन ही नहीं है। फर्टिलाइज वाला पिरामिड जर्की भी बनके रेडी होगी यहाँ पे, वो मैंने बनाने के लिए डाली नहीं है अभी तक, अरे यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। रुको मैं पिरामिड जर्की यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ, और ऑयल ले लो थोड़ा सा, और ये गैसोलिन बनाने के लिए डाला है ना मैंने ऑयल, ठीक है चलो। कितना ऑयल है वैसे मेरे पास, 540 ऑयल है ना, ठीक है मैं 1000 और ऑयल उठा लेता हूँ, रुको मुझे जर्कीज बना लेने का हिसाब, ठीक है जर्की के बिना हमारा काम नहीं होगा। 1500 इसके जो ना हम लोग को 3 इससे कर लेने, ठीक है रुक जाओ यहाँ पे डालने दो मुझे पहले ये एक, उसके बाद ये एक, उसके बाद ये, ठीक है। और अभी ये ऑयल के भी हम लोग 2 इससे करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पिरामिड डाल देना है ताकि पिरामिड जर्की बन सके। टेमिंग जो ना अगले एपिसोड में गई चालू होगी, आज के एपिसोड में टेमिंग चालू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्राइम मीट की जर्कीज पड़ी नहीं है, और प्राइम मीट की एक जर्की बनने में भी कम से कम 30-40 मिनट लग जाएगा, ठीक है। बाकी डोडोस के फर्टिलाइज वाले अंडे तो हम लोग को मिल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। बस यहाँ पे जर्की का थोड़ा सीन है, जर्की भी बन जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, कल तक यहाँ पे जर्की बन के रेडी हो जाएगी। और क्या चाहिए, स्वीट वेजी केक मैंने वहाँ पे अंदर डाल दिया है, फाइबर अपने पास है, प्राइम मीट जर्की 5 चाहिए खाली, और कॉन्स्टलेशन वाले डोडो के अंडे चाहिए, मतलब मुझे गैलेक्सी वाले जो डोडोज है इन डोडोज के जो ना गाइस अंडे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे ब्रीडिंग करके, वो मैं डायरेक्टली अगले एपिसोड में निकालूंगा, अभी निकालूंगा तो वो भाई सड़ जाएंगे वैसे भी, ठीक है। सो गाइस आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क करप्शन ओवरलोडेड का, वो हम लोग फाइनली यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आ चुका है ये मॉड, और गाइस अगले एपिसोड से हम लोग जो ना कोई भी किबल इजीली बना सकते हैं, और उसकी मदद से आने वाले एपिसोड में मैं कुछ ज़्यादा खतरनाक वाले डायनोस को पकड़ने का टेम करने का काम करने वाला हूँ। सो आने वाले जो एपिसोड्स होंगे आर्क करप्शन ओवरलोडेड को बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क करप्शन ओवरलोडेड के, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस जो हमारा आर्क मोबाइल और आर्क पीसी का नया अपना चैनल है उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना, नए चैनल का लिंक
आप लोग को कम्युनिटी टैब में और शॉर्ट वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, स्टार्टिंग के जो दो शॉर्ट वीडियो है उसके कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय।